बहुत बड़ा दिन है, ऑस्कर में आर आर नटू नटू क्या कहना चाहोगे उसके लेके, सच अ ब्रिलियंट मतलब ऑस्कर हुआ टू एवरीवन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज। और मैं आज जब मुझे पता चला उसके बाद मैंने 10 बार गाना वो फिर से सुना और मैं वो डांस के स्टेप्स भी कर रहा था। अभी वो जब हो जाएंगे तब करके बताऊंगा, तो आप कहेंगे अभी करके बताओ। एंड अकॉर्डिंग टू मी नाटू नाटू के अलावा एक बहुत ही अच्छी फिल्म डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट्स व्हिस्परर्स, बहुत बहुत सुंदर है, बिकॉज आप जब उसे देखते हो आप फील करते हो कि आप उसी जगह में हो, उसी जोन में हो। इट इज सो ब्यूटीफुल। आई थिंक इस चीज को रिकॉग्निशन मिली है, इंडियन चीजों को फाइनली द रिकॉग्निशन वी डिजर्व हमें मिल रही है। बट आई फील लाइक ये बहुत नया नया हो रहा है, नाटू नाटू एंड एवरीथिंग। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब ऐसी मूवीज ऐसे गाने आए थे जो रिकॉग्निशन डिजर्व करते थे बट उनको नहीं मिला। बट अब जब मिल रहा है, देन आई होप कि जब आगे कुछ अच्छा आएगा तो उनको भी मिलेगा। आई होप फॉर द या देयर आर मेनी सॉन्ग्स दैट आर डिजर्विंग। आई एग्री टू दैट। ओके, आप लोग कितना मतलब ऑस्कर तो बहुत बड़ा अवार्ड है, लेकिन फ्यूचर में आप किन किन अवार्ड की मतलब अपेक्षा आप करते हैं आपके शो के लिए? देखिए, मेरी हर दिन की अपेक्षा ये होती है कि जैसे हम सीन करते हैं तो ऑन द स्पॉट जो हम क्रिएशन करते हैं तो हमें अंदर से जो एक खुद से अपेक्षा होती है अगर वो पूरी हो जाए, सो दैट इज द बिगेस्ट अवार्ड। बाकी जो चीजें हैं वो सारा रिकग्निशन लोगों को मिलना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि हमको मिले। और द थिंग इज दैट अवार्ड्स से क्या होता है कि हम लोग को एक वैलिडेशन मिलता है। इट्स लाइक हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, अगर कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो वो ही अवार्ड्स है दैट अप्रिशिएट। बट अवार्ड्स अभी बहुत करप्टेड हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई है, सो कांट से मच अबाउट इट। बट इतना कह सकते हैं कि अवार्ड्स के अलावा हमारे लिए एक और चीज अवार्ड है, वो है जो हमारे लास्ट तक वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है एक सीन करने के बाद, वो भी हमारे लिए एक अवार्ड है। कभी कभार ऐसे भी होता है मजा नहीं आ रहा है, ये सीन मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, ऐसा भी होता है। बट कभी कभार होता है कि इतना अच्छा हो गया सीन कि हम लोग को खुद को खुशी मिल गई, वो सेटिस्फेक्शन, दैट सेटिस्फेक्शन इज लाइक एन अवार्ड टू अस। ओके, फैंस का प्यार मिलना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा जरूरी है एक एक्टर के लिए, क्योंकि देखा जाए तो एक एक्टर को लोग, काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो हेटर्स बोल सकते हो या फिर जो लोग डिस्करेज करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो जो फैंस होते हैं उनका पलड़ा ज्यादा भारी हो जाता है, तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी चीजों को जेन्युइनली वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, तो दैट मोटिवेट्स अस, फ्यूल मिलता है गाड़ी चलाने के लिए। सच, ही इज सेइंग ऑल ऑफ द वर्ड्स दैट आई वांटेड टू से। आई एम सो हैप्पी। ओके।